रहीम हम पिछले दो लेक्चर से और ये तीसरा लेक्चर जो है ये हम नॉन कन्वेंशनल मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो इन्हीं नॉन कन्वेंशनल मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स के अंदर एक फॉरवर्ड गाइडेंस अब फॉरवर्ड गाइडेंस का पहले बैकग्राउंड समझे क्योंकि फॉरवर्ड गाइडेंस जो है वो सबसे पहले होता क्या है ये होता है मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन अब इसका बैकग्राउंड ये है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी जब भी क्राइसिस होता है तो इंटरेस्ट रेट कम करके इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की कोशिश की जाती है लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस के 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 अंदर इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट रेट कम होते होते जीरो जीरो करीब हो जब हो जब ऑलमोस्ट जाए तो फिर सेंट्रल बैंक पास कोई टूल नहीं रहता कि वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए इंटरेस्ट रेट को कम करके क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो ऑलरेडी ही जीरो हो चुका है तो फिर वहां पर क्या किया जा सकता है क्योंकि कोई तरीका नहीं है कि जो कन्वेंशनल टूल्स हैं उनके जरिए तो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर सकता है इंटरेस्ट रेट कम होते होते जीरो हो गया अब फर्दर उस कम हो नहीं सकता तो फिर नॉन कन्वेंशनल टूल यूज किया जाएगा जो कि है फॉरवर्ड गाइडेंस फॉरवर्ड गाइडेंस का ये मतलब है यहां पे कि सेंट्रल बैंक ये कमिटमेंट शो करे और बिजनेसेस को और आवाम को हाउस को ये अपनी कमिटमेंट कम्युनिकेट करे कि हम इस इंटरेस्ट रेट को लॉन्गर टाइम पीरियड तक नीचे ही रखेंगे अगर जीरो पे है तो हम इसे ज्यादा देर तक जीरो पे रखेंगे इससे क्या फायदा होगा ये तो जस्ट एक बात है इसका फायदा ये होगा कि अगर सेंट्रल बैंक की कमिटमेंट का जो अनाउंसमेंट है वो क्रेडिबल है और लोग उसको मानते हैं कि वाकई सेंट्रल बैंक अगर ऐसा कह रहा है तो ऐसा करेगा तो उसके दो रिजल्ट होंगे पहला रिजल्ट यह है कि हमने पढ़ा हुआ है कि रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो जब बिजनेसिस को अमाम को लोगों को जो डिसीजन लेने वाले हैं बिजनेसिस के या इकोनॉमिक डिसीजन लेने वाले स्टेक होल्डर जब उनको यह पता चल गया कि ये जीरो इंटरेस्ट रेट या कम इंटरेस्ट रेट ज्यादा देर तक प्रीवेल करेगा तो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि फिर तो फ्यूचर में इंफ्लेशन हो जाएगा जब फ्यूचर में इंफ्लेशन होगा तो उनकी एक्सपेक्टेड इंफ्लेशन रेट इंक्रीज हो जाता और रियल इंटरेस्ट रेट होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट तो बेशक नॉमिनल इंटरेस्ट रेट अपने लेवल पे कांस्टेंट भी रहे रियल इंटरेस्ट रेट कम हो जाता और रियल इंटरेस्ट रेट ही तो ज्यादा रेलिवेंट इंटरेस्ट रेट है इन्वेस्टमेंट के लिए उसी को तो अल्टीमेटली सेंट्रल बैंक ने कम करना होता दूसरा बात यह है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जीरो के करीब हो गया ना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट तो जीरो के करीब नहीं हुआ तो सेंट्रल बैंक यह चाहता है कि शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट कम करके वो नॉर्मल टाइम में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट कम करता था अब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट हो गया जीरो तो वो फर्दर डिक्रीज नहीं कर सकता तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को कैसे कम करे तो हमने टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट भी ऑलरेडी इस कोर्स में पढ़ लिया और उसमें हमने एक्सपेक्टेशन थे जो ये कहती है कि जो लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट रेट होता है जो फ्यूचर के शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट्स हैं उनका एवरेज होता है तो अगर इनिशियली हम ये कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक ये कम्युनिकेट कर रहा है कि हम लंबे अरसे तक इंटरेस्ट रेट कम ही रखेंगे शॉर्ट टर्म वाला पॉलिसी रेट या डिस्काउंट रेट तो इसका मतलब है कि फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट के बारे में नीचे आ जाएंगी और चूंकि कहती है कि जो लॉन्ग टर्म टर्म का का इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट है है वो फ्यूचर के शॉर्ट रेट्स एवरेज तो जब शॉर्ट टर्म के एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट भी डेफिनेटली नीचे आ जाएगा तो इस तरीके से यह पॉलिसी इफेक्टिव हो जाएगी अब इसमें जो फॉरवर्ड गाइडेंस है यह दो तरह की हो सकती है एक है कंडीशनल एक है अनकंडीशनल यानी कि जो सेंट्रल बैंक अपनी कमिटमेंट शो कर रहा है वो कंडीशनल भी हो सकती है और अनकंडीशनल भी हो सकती है कंडीशनल ये होती है कि सेंट्रल बैंक ये अनाउंस करे कि जब तक हालात ऐसे हैं तब तक हम इंटरेस्ट रेट को लो रखेंगे या जैसे पाकिस्तान में अभी जून 2023 में इन्फ्लेशन रेट हाई है और सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट काफी बढ़ाया हुआ है तो वो ये कमिटमेंट शो करे कि जब तक इन्फ्लेशन ऐसा रहेगा हाई तो हम भी फिर इंटरेस्ट रेट को हाई रखेंगे ये कहलाती है कंडीशनल कमिटमेंट यानी कि आपने बता दिया कि जब तक ऐसा रहेगा तो हमारा इंटरेस्ट रेट ऐसा रहेगा अनकंडीशनल ये होता है कि वो सिर्फ ये अनाउंस करे कि हम इंटरेस्ट रेट लो रखेंगे या हम इंटरेस्ट रेट हाई रखेंगे साथ रीजन ना बताए कोई और चीज साथ अटैच ना करे ये अनकंडीशनल होगा अब सवाल ये है कि अनकंडीशनल ज्यादा इफेक्टिव होती है या कंडीशनल कमिटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होती है तो ज्यादा इफेक्टिव तो, तो डेफिनेटली अनकंडीशनल होगा क्योंकि अगर आप उसे किसी और चीज के साथ लिंक कर देंगे तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन रिवाइज होनी थी वो नहीं हो पाएगी इसलिए कि लोग शक में पड़ जाएंगे कि ऐसे हालात रहने का क्या मतलब है कि कब तक सेंट्रल बैंक ऐसे रखेगा इंटरेस्ट रेट क्योंकि फॉरवर्ड गाइडेंस का तो मतलब ही है कि सेंट्रल बैंक उनको कम्युनिकेट करे कि हम लंबे अरसे तक पॉलिसी ऐसी ही बनाएंगे तो जब उसके साथ आपने कमिटमेंट को कंडीशनल कर दिया तो लोग शक में होंगे कि ऐसा कब तक चलेगा तो वो एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जो इफेक्ट आना था वो नहीं हो सकेगा तो जो तो जो अनकंडीशनल है वो ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है लेकिन दूसरी तरफ अगर क्रेडिबिलिटी को देखें तो वो कंडीशनल ठीक है इसलिए कि सेंट्रल बैंक ने अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है और फाइनेंशियल क्राइसिस की सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक ने ये कमिटमेंट शो किया कि हम लंबे अरसे तक इंटरेस्ट रेट को नीचे रखेंगे लेकिन अगर कल को इन्फ्लेशन रेट ज्यादा हो गया तो सेंट्रल बैंक को इंटरेस्ट रेट ज्यादा करना पड़ेगा तो उसकी अपनी बात की क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो अच्छा है कि सेंट्रल बैंक पहले ही कंडीशनल कमिटमेंट करे कि भाई अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ा तो फिर तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे लेकिन अगर ना बढ़ा तो फिर हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे तो क्रेडिबिलिटी के सेंस में कंडीशनल कमिटमेंट बेहतर होती है इफेक्टिवनेस की सेंस में अनकंडीशनल बेहतर होती है ठीक है तो जनरली ये एक बात क्लियर हो गई लेकिन इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट है कि हमने पढ़ा था एक्सपेक्टेशंस रैशनल भी होती हैं लोगों की और रैशनल एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है कि लोग यह भी देखते हैं कि सेंट्रल बैंक कौन सी बात किस वजह से कर रहा है तो अनकंडीशनल कमिटमेंट अगर सेंट्रल बैंक शो करे लेकिन अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन रैशनल हो तो उन्हें वैसे भी पता है कि जब भी इंफ्लेशन रेट बढ़ेगा तो सेंट्रल बैंक ने फिर कम इंटरेस्ट रेट नहीं रखना बल्कि बढ़ा देना है तो उनके जेनों में एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी और अनकंडीशनल कमिटमेंट ज्यादा देर तक इफेक्टिव नहीं रहेगी थैंक यू